सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। सो क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं? एंड अगर करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विजय बैक अगेन विद अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज इस वीडियो में आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली ये मेरा एक्सपीरियंस है amazon.in पे। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बिकॉज बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे ऑफर्स डील्स चल रही होती है amazon.in पे, flipkart पे, snapdeal पे एंड ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट पे। सो स्पेसिफिकली मैं amazon.in के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस है वो amazon.in पे अभी तक मैंने फेस किया है। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे शॉपिंग डेज डील्स चलती रहती है amazon.in पे एंड उसमें बहुत सारे डील्स, बहुत अच्छी अच्छी डील्स आपको मिल जाती है। जैसे कि आपको फ्लैट 20% ऑफ, फ्लैट 30% ऑफ, इवन आपको फ्लैट 50% या 40% ऑफ तक मिल जाता है किसी किसी प्रोडक्ट्स में। बट कभी आपने ये सोचा है कि आपको कोई एक 3 से 4 हज़ार का प्रोडक्ट जो हो वो महज 400 रुपये में मिल जाए? अगर ऐसा आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा हो तो आप उसे तुरंत से ऑर्डर कर देंगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी किया एंड उसके बाद क्या हुआ वो जान के आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होने वाली है। सो यहाँ पर आती है बात, अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा हो जो 4-5 हज़ार उसकी एक्चुअल प्राइस वैल्यू है एंड वो आपको 300-400 रुपये में मिल रहा हो एंड वो मिल रहा हो आपको किसी न्यू सेलर के थ्रू। तो यहाँ पर आते हैं न्यू सेलर बीच में स्टोरी के। सो न्यू सेलर क्या होते हैं? सो बेसिकली न्यू सेलर वो होते हैं जो जिन्होंने रिसेंटली amazon.in पे अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए ज्वाइन किया रहता है एंड वो न्यू सेलर कहलाते हैं। सो यही सेम केस मेरे साथ हुआ। सो जुलाई 8th को मैं amazon.in पे ब्राउज कर रहा था, बिकॉज वहाँ बहुत सारी डील्स चल रही थी। तो वहाँ पर मेरी नज़र गई एक फिटनेस ट्रैकर पे। तो वो फिटनेस ट्रैकर था ऑनर बैंड 3 एक्टिविटी ट्रैकर एंड उसका कलर था ब्लैक। सो मैंने उसका MRP देखा, वो कुछ 3000 से 4000 के बीच में था। बट वहाँ पर मुझे डील क्या मिल रही थी, मुझे वो बैंड मिल रहा था 400 रुपीज़ में इंक्लूसिव ऑफ शिपिंग चार्जेस, मतलब इसमें शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूड थी। सो मेरे को टोटल जो अमाउंट पे करना था वो था 400 रुपये ओनली। सो मैंने वहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ जो ऑफर मेरे को मिल रहा था वो था न्यू सेलर के थ्रू। तो पहले मैंने दो बार सोचा कि ये ऑर्डर प्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट मैंने सोचा यार amazon.in है, इतनी बड़ी कंपनी है तो ऐसा तो कोई भी मतलब डील नहीं दे रही होगी। तो मैंने उसे तुरंत ऑर्डर कर दिया, उसका पेमेंट कर दिया एंड स्टिल उसके बाद भी मेरे को कहीं ना कहीं मन में डाउट आ रहा था, बिकॉज एज अ कस्टमर हमें अपने पैसों की टेंशन बनी रहती है कि हमारा पैसा यहाँ पर नुकसान ना हो जाए, बिकॉज वो न्यू सेलर था। सो मैंने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए amazon.in के कस्टमर केयर में कॉल किया। सो वहाँ पर कॉल करके मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, सो क्या मेरा प्रोडक्ट मुझे डिलीवर होगा एंड क्या ये जो सेलर है वो वेरीफाइड सेलर है कि नहीं है। सो वहाँ पर मेरी जो बात हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि आप बेफिक्र रहिए, आपका जो प्रोडक्ट है आपको डिलीवर हो जाएगा एंड ये जो एक सेलर है, जो न्यू सेलर है, वो वेरीफाइड सेलर है, उसे हमने ही वेरीफाई किया amazon.in पे। सो ये सुनने के बाद एक टाइप से रिलीफ मुझे मिल गई कि मेरा प्रोडक्ट एक्चुअली मुझे मिल जाएगा एंड मैं बहुत खुश था कि मेरे को इतने कम रेट में ये प्रोडक्ट मिलने वाला था। सो मैंने अपने दोस्तों को भी बताया इसके बारे में। सो उनमें से भी 2-3 दोस्तों ने उस ऑर्डर को प्लेस किया। सो नाउ उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर शिपिंग की डिटेल्स मुझे मिल जाती है। उसी रात में वो कुछ पैक्ड हो गया था या शिप्ड हो गया था एंड देन उसके बाद शिपिंग की डिटेल्स मुझे मिल गई। वो सारी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो वो सब डिटेल मिलने के बाद मुझे उन्होंने कुछ एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट बताई 14th of July। सो मैं बेफिक्र होके वेट कर रहा था प्रोडक्ट का एंड मैं उस चीज़ को भूल गया। सो दिन बीतते गए 11, 12, 13, बट मुझे कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आया कि आपका प्रोडक्ट शिप हो गया है, आपके प्रोडक्ट की इस दिन डिलीवरी है। मुझे कोई भी टाइप का कन्फर्मेशन नहीं मिला। सो मैंने उस दौरान मैंने सेलर को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की एंड वहाँ पर उसका ईमेल था। सो मैंने उसको ईमेल किया कि वेयर इज़ माई प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिलीवर होने में कितना टाइम लगेगा। सो उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला एंड 14th तारीख आ गई। सो मैं डर गया उस दिन
कि ऐसा कैसे हो सकता है, एंड मैं वेट कर रहा था कि मुझे प्रोडक्ट मे बी आज डिलीवर हो जाए। एंड वहां पर ट्रैकिंग डिटेल्स जो थी वो भी दी थी सारी, फेडेक्स के थ्रू उन्होंने उसे शिप किया था एंड वहां पर फेडेक्स की ट्रैकिंग डिटेल्स दी थी। सो मैंने फेडेक्स की ट्रैकिंग डिटेल्स फेडेक्स की ऑफिशियल साइट पे जाके डाली तो वहां पर मुझे लिखा हुआ आया कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अभी हमारी तरफ से शिप नहीं हुआ है। अगर कोई प्रोडक्ट की मेरे को डिटेल्स मिली है वो भी amazon.in इतनी बड़ी वेबसाइट पे, वो गलत कैसे दिखा सकते हैं फेडेक्स वाले। तो मैंने उसी दिन तुरंत amazon.in पे कॉल किया। सो उनको मैंने ऐसे ऐसे अपना पूरा कंसर्न बताया कि ऐसे ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मे बी अभी फेडेक्स वालों ने अपडेट नहीं किया हो। बट मैंने उन्हें बताया कि वहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट शिप ही नहीं हुआ है हमारी तरफ से, क्योंकि अगर शिप ही नहीं हुआ है तो वहां पर वो अपडेट होने की तो बात ही नहीं आती है। amazon.in वालों को 14 तारीख को पूरी बात समझाई बट वो मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि सर हमें आप 2 दिन का टाइम दीजिए, हम सेलर को कॉन्टैक्ट करेंगे एंड उनसे बात करके आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी जल्द से जल्द कराएंगे। सो मैंने उस दिन उनको बोल दिया कि मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। अगर मेरे को रिफंड ही चाहिए रहता तो मैं प्रोडक्ट को प्लेस ही नहीं करता। तो 14 तारीख चली गई एंड जो नेक्स्ट डिलीवरी डेट आ रही थी वो 16 या 17 आ रही थी। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, इस बार गलती नहीं होगी, इस बार 16 या 17 को मेरे को प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। बट 16 17 भी क्रॉस हो गई एंड प्रोडक्ट का कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, ना ही एक सिंगल टेक्स्ट मिला अमेज़न की तरफ से कि आपका प्रोडक्ट यहाँ यहाँ है, कि सेलर से उनकी बात हुई कि नहीं हुई, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया गया या कुछ भी, ऐसी कोई डिटेल मुझे नहीं मिली। सो उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था बिकॉज मैंने वहाँ कुछ अपने पैसे लगाए थे एंड उस पैसों की अब मेरे को टेंशन होना स्टार्ट हो गया था कि मेरे पैसे सेफ हैं कि नहीं है। सो उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट डे डिलीवरी की मिली वो 19th मिली। सो ऐसा मेरे साथ 2 बार ऑलरेडी हो गया था, पहले 14th को बोला डिलीवर होगा, उस दिन नहीं हुआ, देन 16 17 को कुछ बोला था, देन उसके बाद 19th की डेट आई। सो मैंने 19th तक भी वेट किया, सो 19th तक भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। सो नाउ उस दिन मुझे आ गया गुस्सा, एज अ कस्टमर सभी को गुस्सा आएगा बिकॉज उसके पैसे कुछ 10 दिन से अटके हुए हैं एंड ना ही प्रोडक्ट की कोई डिटेल मिल रही है, ना ही कोई amazon.in की तरफ से हमें कन्फर्मेशन मिल रहा है कि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है या आपका प्रोडक्ट डिलीवर इस दिन हो जाएगा। सो मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया एंड मैंने उनसे अपना स्टेटस पूछा कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ है एंड मुझे कब डिलीवर होगा। सो उन लोग ने वहाँ पर चेक किया एंड उन लोग ने मुझे बोला कि सर इसी कारणवश आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पा रहा है, आपकी डिलीवरी डेट जो है वो बढ़ाया जा रहा है सेलर, सो इस कारणवश हम आपके प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। सो उस टाइम तो मेरे को बहुत बुरा लगा बिकॉज मैं 10 दिन से पिछले वेट कर रहा था कि मैंने इतनी अच्छी डील जो है वो क्रैक की है एंड मुझे वो डील मिलने वाली थी एंड लास्ट में वो क्या कहते हैं, सर हम आपका रिफंड पूरा दे देते हैं। सो मैंने उनको बोला कि अगर मुझे रिफंड ही चाहिए रहता तो मैं प्रोडक्ट को ऑर्डर ही क्यों करता, एंड आपकी कंपनी इतनी बड़ी है, amazon.in है, उसमें ऐसी पैथेटिक सर्विस हमें मिल रही है तो कस्टमर कैसे भरोसा करेगा इतनी बड़ी कंपनी पे। सो वो बार बार यही कह रहे थे कि सर हम कुछ नहीं कर सकते इस पे, हमने सेलर को हटा दिया है एंड सेलर की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने बोला अगर सेलर की आपके पास वेरीफाइड पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ऐसे सेलर्स को अलाउ ही क्यों करते हैं amazon.in पे, जो लोगों का पैसा खाने की सोचते हैं बस। एंड मैंने जब 14 तारीख को आपको ये चीज़ बताई थी तो आप उसके बाद मुझे कन्फर्मेशन बता सकते थे कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है, एंड अगर ऐसे सेलर हैं तो ऐसे सेलर क्यों हैं, वो भी इतनी बड़ी वेबसाइट amazon.in पे ऐसे सेलर क्यों क्यों हैं, उनको आप वेरीफाई किस बेसिस पे करते हैं। सो मैंने जब ये सब पूछा तो वो मुझे जवाब देने के लिए रेडी ही नहीं थे, वो बोलते थे कि सर हमारी ये इंटरनल पॉलिसी, हम इसके बारे में आपके साथ कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो मैंने बोला एज अ कस्टमर मेरे 10 दिन से पैसे अटके थे तो मेरे लिए तो इतना जानना ज़रूरी है ना कि मे बी प्रोडक्ट मेरे एरिया में पहुंच गया हो, मैं सेलर को कॉन्टैक्ट करके मे बी उस प्रोडक्ट को डिलीवर करवा दूं। बट उन्होंने मुझे उनकी भी कुछ डिटेल्स नहीं दी। सो अगर इस वीडियो को कोई amazon.in की तरफ से देख रहा है तो मुझे इस सवाल का ज़रूर जवाब दीजिए कि आप किस बेसिस पे एक सेलर को अलाउ करते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए amazon.in पे, जब आपके पास उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही नहीं है तो आप उसे अलाउ कैसे कर रहे हैं एंड वेरीफाई कैसे कर रहे हैं। एंड अगर किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया इतनी बड़ी वेबसाइट से तो उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना आपकी जिम्मेदारी है, या तो स्टार्टिंग में ही उस प्रोडक्ट को ऑर्डर ही ना होने दें या तो उसे शिपिंग के बाद ऐसा लोगों को भरोसा दिला कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा। सो ऐसा कुछ ना करें कि कस्टमर्स का आपकी वेबसाइट से भरोसा ही पूरी तरीके से उठ जाए। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आप सबको पूरी स्क्रीनशॉट्स ऑर्डर की डिटेल भी आपको दे दूंगा एंड इवन आप जाके फेडेक्स की साइट पे वो ट्रैकिंग नंबर डाल के देख सकते हैं, वहां पर भी बताएगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारी तरफ से शिप ही नहीं हुआ है। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ
एंड इवन मैं बताना चाहता हूँ कि पैसे जो हैं मुझे वो मिल चुके हैं, पूरा रिफंड हो चुका है, बट यहाँ पर क्या होता है, बात जो आती है वो भरोसे की है। सो मैंने कुछ भरोसा करके amazon.in से प्रोडक्ट ऑर्डर किया था एंड मैं एक्साइटेडली वेट कर रहा था उस प्रोडक्ट के डिलीवर होने का। बट लास्ट में जब वो बोलते हैं कि आपको रिफंड मिलेगा, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ से शायद किसी का भी भरोसा उठ सकता है, बिकॉज हम एज अ कस्टमर बहुत सोच समझ के एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं एंड इस ऑर्डर को डिलीवर करना आपके वेबसाइट का काम है। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबको यहाँ पर एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप किसी भी न्यू सेलर से कोई प्रोडक्ट परचेज मत करें, बिकॉज ऐसा करने से आपको जैसा मेरे साथ हुआ है वैसी प्रॉब्लम शायद फेस करनी पड़ सकती है। सो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आप सबको फेस करनी पड़े। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, उस चीज़ के बारे में कस्टमर केयर को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करें ताकि वो उस जो सेलर है उसको बैन कर सके amazon.in पे। एंड amazon.in से भी मेरी एक दरख्वास्त है कि ऐसे सेलर्स को अलाउ ही ना करें जो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए amazon.in पे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक्सपीरियंस। मुझे स्टार्टिंग में डाउट था कि न्यू सेलर के साथ मेरा प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, सो मेरा डाउट यहाँ पर कंफर्म हो गया है एंड मैं आगे से किसी भी न्यू सेलर के साथ अपना कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करने वाला हूँ। सो आप उन्हीं सेलर से परचेज कीजिए जो वेरीफाइड हो एंड जिनके रिव्यूज़ पॉजिटिव हो। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड इवन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ऐसा किसी के साथ ना हो तो आप उनको पहले से ही अवेयर कर दीजिए इन चीज़ों के बारे में। एंड अगर आप भी चाहते हैं ऐसे सारे न्यू सेलर्स को बैन किया जाए amazon.in या ऐसी किसी वेबसाइट पे, तो यहाँ पर मैं एक पोल जनरेट कर रहा हूँ, वहाँ पर अपना वोट ज़रूर दीजिए जाके, ताकि मुझे भी पता चल जाए एंड सभी को पता चल जाए कि कितने कस्टमर्स ऐसा चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, बिकॉज आपके लाइक्स ही मेरा मोटिवेशन है। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में आने वाली है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद एंड टेक केयर एंड स्टे फिट।